मनीष दीक्षित नाम है मेरा और आप देख रहे हैं क्रैक क्रैक एनटीएससी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंपल पहले चैप्टर का। इफ ए इक्वल्स टू 9 माइनस 4 रूट 5, रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो मैंने पहली वीडियो में ये बताया था आपको कि यदि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में अंतर 1 का हो तो आप इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख देंगे। मान लीजिए, अब देखिए 9 माइनस 4 रूट 5 है, तो इन दोनों के डिफरेंस क्या है, 9 का स्क्वायर क्या है 81 और 4 रूट 2 का 80, 4 रूट 5 का 16, 5 है 80, तो डिफरेंस 1 है। तो 1 अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 रूट 5। तो ये 4 रूट 5 से 4 रूट 5 कैंसिल, यानी कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई, 18 हो गई। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ चुका है कि a प्लस 1 अपॉन ए क्या है, 18 है। तो रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो a प्लस 1 अपॉन ए और माइनस 2, a प्लस 1 अपॉन ए माइनस 2, यानी रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 18, माइनस 2 कितना आया, 16। तो रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 16 है, और रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू क्या है, 4। प्लस माइनस 4 होगी तो अपन प्लस माइनस 4 से कर लेते हैं। फिर दोबारा देख लीजिए, मैंने सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि a इक्वल्स टू 9 माइनस 4 रूट 5 है, तो दोनों के रूट में अंतर यदि 1 है तो इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट अपन लिख देंगे कि 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 1 अपॉन ए 18 आ गया, और रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले अपन स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने से a प्लस 1 अपॉन ए 18 माइनस 2 16 आया, तो रूट ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर 16 है, तो रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। क्लियर? इफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो फिर मैंने आपको बताया था, देखियो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और रूट 3 का 3, तो 4 और 3 में डिफरेंस क्या है, 1। तो इसके कॉन्जुगेट को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 लिख दिया आपने। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्यूब आ रहा है, तो क्यूब आ रहा है यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, क्यूब के लिए बस मैट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि इसका स्क्वायर करना है। क्यों स्क्वायर करना है, क्योंकि ये रूट 3 आ रहा है, तो इस रूट 3 को हटाने के लिए अपन स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपने निकल के आता है। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, यहाँ कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 था, हमने देखा रूट दोनों का डिफरेंस 1 है, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 2 प्लस रूट 3 लिया, माइनस 2 किया, स्क्वायर किया और ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कैसे किया मैंने इसे, मेरे को क्यूब लाना था तो मैंने x का इंटू किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, जो ये हमारी वैल्यू निकल के आई। सिमिलरली अब देखिए, एक चीज़ नोट कीजिए, इसको यहाँ पे आपको देखना है एक्स क्यूब आ चुका है, जो कि एक्स क्यूब यहाँ था, मगर यहाँ माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस 2x स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर या माइनस 2x स्क्वायर, तो मैं क्या ऐड कर दूँ, प्लस के 2x स्क्वायर। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस के x है और वहाँ पर माइनस के 7x है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 8x। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलते हैं, अब देखिए एक चीज़, यहाँ प्लस 1 आ रहा है, यदि मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ प्लस 2 कर लूँ, क्योंकि मैं यदि 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 1 लाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉमन लेता हूँ। अब 5 में से क्या बचा यहाँ पे, 3। तो आप देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, प्लस 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देख लीजिए आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बचता है, 3। अब देखिए ये 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार दोबारा से देखते हैं, x इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 है, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, 2 और रूट 3 में डिफरेंस क्या है, 1। तो मैं इसके कॉन्जुगेट को डायरेक्ट लिखा, x माइनस 2 किया, यहाँ रूट 3 है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करने से क्या हुआ, इसका स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। फिर मैंने एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को लिखना चालू किया, तो अब यहाँ पर क्यूब लाना था तो मैंने x का इंटू किया तो x क्यूब हुआ यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या लाना है, माइनस 2x स्क्वायर।
तो प्लस टू एक्स स्क्वायर किया, यहाँ एक्स है हमको माइनस सेवन एक्स लाना है तो माइनस एट एक्स किया। यहां पर फिर क्या है, यदि मैं टू को कॉमन लूं और ये वाली वैल्यू लिखूं तो यहां पर टू लेना चाहिए, मुझे टू आना चाहिए जब भी कॉमन ले पाऊंगा वन के लिए, तो मैंने यहां टू लिखा तो फाइव को कैसे ब्रेक किया, टू और थ्री में। अल्टीमेटली इस तरीके से लास्ट स्टेप लिखी, इसकी वैल्यू जीरो तो ये जीरो, इसकी वैल्यू जीरो तो ये जीरो, तो प्लस थ्री विल बी द आंसर ऑफ दिस सेवंथ क्वेश्चन। मनीष दीक्षित नाम है मेरा, आप देख रहे हैं क्रैक एनटीएससी एक्सरसाइज फर्स्ट, एनटीएससी स्कॉलर एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, एक्स इक्वल्स टू रूट पी प्लस टू क्यू प्लस रूट पी माइनस टू क्यू अपॉन रूट पी प्लस टू क्यू माइनस रूट पी माइनस टू क्यू, हमें वैल्यू निकालनी है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशलाइजेशन करते हैं, रेशलाइजेशन की डायरेक्ट स्टेप, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए प्लस बी है तो प्लस जाएगा, तो ये प्लस रूट पी प्लस क्यू का स्क्वायर आएगा, तो पी प्लस टू क्यू प्लस पी माइनस टू क्यू प्लस टू इंटू पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या आएगा पी प्लस क्यू माइनस पी और प्लस क्यू, पी से पी कैंसिल, फोर क्यू एक्स इक्वल्स टू टू क्यू से टू क्यू कैंसिल टू पी प्लस टू इंटू रूट पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर। अब देखिए टू से टू कैंसिल करते हैं, यहाँ टू, यहाँ टू और यहाँ टू, तो क्या बचा टू क्यू एक्स इक्वल्स टू पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर, क्लियर। अब ये टू क्यू एक्स हो गया, आगे चलते हैं तो क्यू एक्स टू क्यू एक्स माइनस पी इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर, तो दोनों साइड अपन स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा फोर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस फोर पी क्यू एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करते हैं, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, अब फोर से पूरा कैंसिल कर देते हैं तो फोर क्यू सब में सारे में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो क्यू एक्स स्क्वायर आया माइनस, अब इसमें से भी कैंसिल किया हमने फोर क्यू तो यहाँ से क्या बचा माइनस पी एक्स आया, और ये क्या हो जाएगा जब इधर अपन लेके आएंगे प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो ये अपना रिजल्ट आ चुका है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। रेशनलाइज किया और उसके बाद में आपको देखे दो स्टेप पर याद रखना है, आपको दो स्टेप पर याद रखना है, पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है ये आपको रेशनलाइज कैसे करना है, दूसरा आपको इस पी को ले जाकर इधर ये स्क्वायर करना है, ये पूरा स्क्वायर करना है तो वैल्यू ये आएगी, क्लियर है। मनीष दीक्षित नाम है मेरा, आप देख रहे हैं क्रैक एनटीएससी और ये क्वेश्चन नंबर 9 है और हमें टू की पावर एक्स इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है, टू की पावर एक्स अपन 1+2 की पावर एक्स, हमें वैल्यू निकालनी है 8 की पावर x/1+8x की, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसका इंटू करते हैं तो 4 × 2 की पावर x = 1+2 की पावर x आएगा, तो ये 4 2 की पावर x और 1+2 की पावर x ये माइनस करेंगे तो 3 × 2 की पावर x होगा, इसके बाद 2 की पावर x ये हो चुका है और 4 ठीक है इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा 2 की पावर x = 1/3 तो 2 की पावर x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/3, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3x और 1+8x को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का क्यूब और x और 2 की पावर x, अब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे 2 की पावर x को अंदर ले आएँ और 3 को इधर कर दें और इसको अंदर ले आएँ और इसको उधर कर दें, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा 1+1/3 का होल क्यूब, अल्टीमेटली ये 1/27 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1+1/27, अल्टीमेटली ये क्या होगा 1/27 / 28/27 तो 1/27 × 27/28 ये कैंसिल आउट होगा और वैल्यू आ जाएगी 1/28। एक बार दोबारा देख लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 4 की पावर 2x में से 3 2x माइनस किया तो 3 × 2 की पावर x हुआ, 2 की पावर x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इधर रखते हैं इसको, 8 की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं 3 को तो बाहर ले जाते हैं x को अंदर लाते हैं और 2 की पावर x की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और ये अल्टीमेटली 1/28 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।